हेलो मित्रों, आज चलते हैं हम अपने एमबी कॉलेज के वेबसाइट को कैसे सर्च करेंगे और कैसे वहाँ के नोटिस को हम लोग समझेंगे। तो आपको ये चीज़ अभी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको सर्च करते हैं। तो एमबी कॉलेज आप गूगल में जब लिखेंगे खाली, तो आपको एमबी कॉलेज का ये टैग आ जाएगा। ये देखिए पूरा आपको एमबी कॉलेज बक्सर का आपको गूगल सर्च में दिखेगा। इसमें पहला जो ऑप्शन है, जो ये जो ऑप्शन आता है एमबी कॉलेज का, आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो होम पेज पर चले जाएंगे। तो होम पेज पर जा करके फिर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अन्यथा उसमें कई ऑप्शन आता है, नोटिस का, स्टूडेंट जोन का, स्टडी मटेरियल्स का, रिजल्ट या क्रॉस लिस्ट का, एडमिशन का, फी स्ट्रक्चर का। तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं या एमबी कॉलेज के होम पेज पर जा करके वहाँ से फिर इन सब मेनू में जा सकते हैं। तो हम आपको होम पर से ले जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट आप नोटिस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। हम आपको ये तरीका दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो एमबी कॉलेज जो वेबसाइट है, इसका जब हम होम पर सर्च किए तो आपको ये वेबसाइट का लुक आया। इसमें ऊपर में आपको यहाँ पे तीन मेनू दिख रहा है, तो इस तीन मेनू में से क्लिक करेंगे। तीन मेनू में क्लिक करेंगे तो आपको साइड में आपको इस तरह से ये मेनू आएगा। यही चीज़ वहाँ दिख रहा था शुरू में, ये हेडिंग वाला दिख रहा था, ये जो जो वाइट वाइट है। इसमें अभी नोटिस पर चलेंगे। नोटिस पर जब क्लिक करते हैं तो चूंकि अभी हमको स्टूडेंट के क्या क्या सूचनाएं मिलती ही है नोटिस के माध्यम से, और अभी क्या सूचना है उसको हमको देखना है, तो हम इसलिए नोटिस पर क्लिक किए हैं। तो थोड़ा सा वेबसाइट का प्रॉब्लम लग रहा है या फिर नेट का प्रॉब्लम है, खुलने में देरी हो रहा है। और अगर यहाँ से खुलने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ नोटिस पर क्लिक कर देंगे तो भी हम वहीं पर चले जाते हैं। तो नोटिस का जो होम पेज है वो इस तरह से है, दोनों तरह से खुलता है, वहाँ पर भी खुलता है या यहाँ पर भी खुलता है। तो आप अभी देखेंगे कि जो करंट सूचना रहता है वो सबसे ऊपर रहता है और बाद की सूचना उसके नीचे चलते जाएंगे, तो पुराना सूचना होते जाएगा। इस तरह से अभी सूचनाएँ का बहुत सारे यहाँ पर सोर्स बना हुआ है। अभी तत्काल में सेमेस्टर 1 2023 से 2027 सत्र के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होना है, और असाइनमेंट से एग्ज़ाम होना है, उसका इंटरनल थ्योरी एग्ज़ाम होना है। ये दोनों मिला के 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट का 10 नंबर का एग्ज़ाम और थ्योरी वाला 25 नंबर का 15 नंबर का एग्ज़ाम, दोनों मिला करके 25 नंबर हो गए और 5 नंबर अटेंडेंस में मिलेगा। तो ये नोटिस में हम लोग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस, होम पर नोटिस में आ गए हैं। और ये यहाँ पर पहला देखिए नोटिस है, क्या है एग्रीमेंट, ये असाइनमेंट नोटिस बीए बीएससी 23-27। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट का जो नोटिस है कि असाइनमेंट बनाना है और उसको कब कैसे जमा करना है, कितने दिनों में जमा करना है, ये जानने के लिए आपको इस नोटिस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस नोटिस पर क्लिक डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सूचना दिखेगी। इसमें लिखा हुआ है कि बीए बीएससी सीबीसीएस कोर्स के जो स्टूडेंट हैं 23-27 के, उनका प्रथम सेमेस्टर में जो नामांकित छात्र छात्राओं हैं उनको सूचित किया जाता है कि असाइनमेंट के प्रश्न के अनुसार, जो असाइनमेंट में प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर लिखकर, उसका असाइनमेंट का जो आंसर होगा वो असाइनमेंट का अलग से पेज आता है, कॉपी आता है, आप दुकान में ख़रीद लीजिएगा, असाइनमेंट पेपर बोलिएगा तो आपको मिलेगा, वो सेट 20-25 पेज का रहता है एक सेट, वो ले लेंगे, उसमें लिखना है। वो पेज में क्या खासियत है कि पेज अच्छे क्वालिटी का होता है और एक पेज में एक पार ही लिखा जाता है, एक पार ब्लैंक रहता है, पूरा वाइट, एक पार में रूलिंग। तो रूलिंग बारे में लिखिएगा चौथाई छोड़ करके, और इसी को असाइनमेंट पेपर कहते हैं, और कम से कम 500 से 1000 शब्द में लिखिएगा, और वो आंसर एक क्वेश्चन का या दो क्वेश्चन का जितना लिखा रहेगा प्रश्न में। अभी दिखाते हैं आपको, संभवतः हर एक लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा है, तो 500 वर्ड में आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसको आप सुई धागा से सी करके या स्टेपल करके आप जमा करेंगे कॉलेज में। कब करेंगे जमा, तो ये जल्दी लिखना है आपको असाइनमेंट का उत्तर, और उसको लिख कर परीक्षा के दौरान अपने परीक्षा कक्ष में जमा कर देंगे। जिस दिन थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन ही इस असाइनमेंट की कॉपी को भी जमा कर देना है। मतलब क्या हुआ कि थ्योरी एग्ज़ाम के दिन, थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा
उसी का उसी सब्जेक्ट का उसी पेपर का आपका असाइनमेंट भी है। तो असाइनमेंट को थ्योरी पेपर के कॉपी के साथ ही दो कॉपी आप जमा करेंगे, एक थ्योरी का कॉपी जो वहाँ मिलेगा उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, और जो एक असाइनमेंट का कॉपी घर से लेकर के आइएगा उसको, दोनों को मिला करके एग्ज़ामिनर को जमा करिएगा। तो एक साथ दो कॉपी जमा होगा और इसी हिसाब से आपका नंबर चढ़ेगा। तो ये आपको असाइनमेंट का नोटिस हो गया। तो जिस दिन जिसका जो एग्ज़ाम है उसी दिन उसको ये जमा करना है। अभी आपको एमजे कॉलेज के वेबसाइट पर आए हैं लेकर के, अभी हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी लेके जाएंगे सूचनाएँ, वहाँ पर भी इसी तरह से हम देते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो वहाँ पर हम रखते हैं। अभी देखिए बोटनी असाइनमेंट एमजेसी, अभी देखिए किसका किसका असाइनमेंट होगा, किसका किसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। तो आपको बता दें कि जो सेमेस्टर वन में विद्यार्थी हैं उनको छः पेपर का एग्ज़ाम देना है। छः पेपर में एक पेपर हो गया एमजेसी, दूसरा हो गया एमआईसी, तीसरा हो गया एमडीसी, उसके बाद एईसी, एसईसी और वीएसी, तीन अलग कोर्स हैं। तो तीन तीन छः कोर्स हो गए। तो छः वो कोर्स का जो छः कोर्स है सभी में असाइनमेंट लिखना है और सबका थ्योरी एग्ज़ाम भी देना है। तो छः असाइनमेंट कॉपी आपका बनेगा, घर से लेके आना है, और छः एग्ज़ाम छः दिन में होगा। एक दिन पहला दिन जो जैसे 7 तारीख से एमजी कॉलेज में हो रहा है, तो 7 तारीख को एमजेसी का एग्ज़ाम होगा, 8 तारीख को एमएससी का एग्ज़ाम होगा, 9 तारीख को एमडीसी का एग्ज़ाम होगा, 10 तारीख को एईसी का होगा, 23 तारीख को फिर इसी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा एसईसी का, फिर 24 तारीख को वीएससी का होगा। 6 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा। तो 6 दिन में जो एग्ज़ाम होगा, जिस जैसे एमजेसी का 7 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो असाइनमेंट का जो एमजेसी का असाइनमेंट होगा वो भी 7 तारीख को ही जमा कर देना है। 7 तारीख को थ्योरी एग्ज़ाम जब हो रहा है एमजेसी का, उसी समय में उसका डाल देना है। 8 तारीख को एमएससी का एग्ज़ाम है, तो एमएससी का थ्योरी कॉपी के साथ ही एमएससी का असाइनमेंट भी जमा कर देना है। 9 तारीख को आपका एमडीसी का एग्ज़ाम है, तो एमडीसी का थ्योरी पेपर के साथ असाइनमेंट भी जमा कर देना है। यानी कि आपको समय उसी हिसाब से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस वेबसाइट पर आकर के एमजेसी का लोड करके इसका असाइनमेंट एक दिन में तुरंत तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन आप तो समय बचा नहीं है, कल ही बार समय है, तो एक दिन में लिख देंगे तो अगले दिन जमा कर लीजिएगा। एक एक दिन आपको अभी समय मिलेगा। तो आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, अभी हर एक सब्जेक्ट का पहले एमजेसी का क्वेश्चन दिया गया। देखिए यहाँ पर बोटनी का आपको दिख रहा है ना, ठीक से, बोटनी का असाइनमेंट एमजेसी थ्योरी है, ठीक है, बोटनी का हुआ, फिर इकोनॉमिक्स का हुआ, फिर इसी तरह से इंग्लिश का हुआ असाइनमेंट एमजेसी, सबका चल रहा है असाइनमेंट, हिंदी का एमजेसी असाइनमेंट, हिस्ट्री का एमजेसी असाइनमेंट, सब अल्फाबेटिकल है, मैथमेटिक्स का असाइनमेंट एमजेसी, फिलॉसफी का एमजेसी असाइनमेंट, फिलॉसफी का आपको हम दिखा देते हैं, इस पर जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा और उसके बाद फिर आपको दिखेगा। तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लेता है, इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है, और इसके पहले तब तक आपको आगे भी दिखा देते हैं। फिजिक्स का असाइनमेंट एमजेसी, फिर पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट एमजेसी, जूलॉजी का असाइनमेंट एमजेसी, आपको यहाँ तक एमजेसी का सब दिखा असाइनमेंट। अभी इसी में से जो आपका सब्जेक्ट अगर है तो इसमें से कोई ना कोई तो आपका मेजर होगा ही, इसमें जो भी है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे जूलॉजी का ही कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वेबसाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लगता है, ये नेट का प्रॉब्लम है कि डाउनलोड अभी नहीं हुआ, हमने लोड करके देखा है अभी कुछ देर पहले, तो वो लोड हो जाता है, हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी हमको रिकॉर्ड करना है इसलिए ज़्यादा देर इंतज़ार हम नहीं कर रहे हैं। फिर आप एमजेसी का जब लोड कर लीजिएगा तो ऐसे ही फिर एमएससी का सीरीज चालू होगा, फिर शुरू हुआ बोटनी से एमएससी का। अभी देखिए एगो लोड हो गया है और लोड हो करके स्लो चल रहा था, तो देखिए आपको दिखाया, चूँकि पहले से लोडेड था इसलिए वो क्वेश्चन पूछा कि लोड दोबारा करें कि नहीं करें। आगे दिखा देते हैं, एमएससी का बोटनी, इकोनॉमिक्स का जो है एमएससी, और इंग्लिश का एमएससी असाइनमेंट, हिंदी का एमएससी असाइनमेंट, हिस्ट्री का एमएससी असाइनमेंट, मैथमेटिक्स का एमएससी असाइनमेंट, फिलॉसफी का एमएससी असाइनमेंट, फिजिक्स का एमएससी असाइनमेंट, पोल साइंस का एमएससी असाइनमेंट। आपको
सबका एम एस सी जूलॉजी का एम एस सी असाइनमेंट, यहाँ तक एम एस सी दिख गया। फिर असाइनमेंट जब एम एस सी का भी ख़त्म हो गया तो फिर एम डी सी का चालू होगा, बोटनी का एम डी सी, इकोनॉमिक्स का एम डी सी, इंग्लिश का एम डी सी, हिंदी का एम डी सी असाइनमेंट, हिस्ट्री का एम डी सी असाइनमेंट, मैथमेटिक्स का एम डी सी असाइनमेंट, फिलोसफी का एम डी सी असाइनमेंट, फिजिक्स का एम डी सी असाइनमेंट, पोल साइंस का एम डी सी असाइनमेंट, जूलॉजी का एम डी सी असाइनमेंट, यहाँ तक आपका फिर एम डी सी ख़त्म हो गया, तीन पेपर कंप्लीट हो गया। फिर ए आई सी का चला इंग्लिश का असाइनमेंट, इसमें इंग्लिश और हिंदी सिर्फ चलेगा, और हिंदी का ए आई सी असाइनमेंट हो गया। फिर एस एस सी का, चलिए एस एस सी का असाइनमेंट यहाँ पर है। फिर बी एस सी का असाइनमेंट देख लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप यहाँ तक सिर्फ असाइनमेंट का आपको क्वेश्चन था, आपको इसमें किसी में भी जिसका जिसका आपका आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें वो लिखा हुआ है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और क्या है। जैसे अभी हिस्ट्री को लोड करके देख लेते हैं फिर से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोई लोड हो जाओ जल्दी से भाई, तो फिर हम इसको क्लिक करके दिखाएं। चलिए लोड हो गया, इसको हम लोड कर देते हैं। देखिए हिस्ट्री का ये असाइनमेंट है एमडीसी का, एक प्रश्न है, आंसर द क्वेश्चन बिलो, 10 नंबर का है। प्राचीन भारत के साहित्य वेद और वेदांत में वर्णित प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, एक क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। इसका आंसर घर से 500 शब्द में लिख करके लाना है, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से फिलॉसफी का एमडीसी देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो था ऊपर में भी उसमें से क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, और खुलने के बाद अगर आप में पीडीएफ पढ़ने वाला पीडीएफ रीडर है तो उससे खुलेगा, या अन्य कोई और कई आपके पास रीडर है तो उसमें से ऑप्शन पूछेगा कि किस रीडर से आपको पढ़ना है। जैसे अभी हमको 4-5 ऑप्शन मिला था तो किसी एक पर क्लिक कर दिए, लॉक अगर है तो लॉक फिर फिंगर लॉक से आपको खोलना पड़ेगा, तो अलग अलग सिस्टम है। आप लोड हो जाए जल्दी तो हम दिखाएं करके आपको, हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपने से भी ये सब काम कर सकते हैं, और प्रिंट करना है तो साइबर कैफ़े जाकर के प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जब अभी हो गया तो चलिए, अब लोड अभी नहीं हो रहा है तो अब क्या किया जाए, आपको अभी वो सब लोड किया हुआ है हमारा, अभी यूट्यूब पर भी दिखाएंगे आपको तो वहाँ पर दिख जाएगा, और जो भी बाकी रह जाता है अगर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पर हम लाइव करते हैं जब, तो उसमें जुड़ सकते हैं। अभी हम फिलॉसफी का लोड किए थे तो फिलॉसफी का एमडीसी का क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, ये मेरा सब्जेक्ट है एमडीसी, जिसका भी फिलॉसफी है उनको देखिए प्रश्न इस तरह से दिया गया है, 1 आवर का तो घंटा है, हम लिख दिए थे तो आपको घर से लिख के लाना है, ये 10 नंबर का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स लिख दिए हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर हम दो क्वेश्चन दिए हैं, दो में से कोई एक बनाना है 500 वर्ड में। डिफाइन प्रोपोजिशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोपोजिशन एंड सेंटेंस, जो भी प्रश्न है आपको समझ में आएगा, जितना भी है किताब से आप या गूगल से या जैसे भी है लिखना चाहें आप पढ़ करके समझ लें, लिख लें और अगले दिन इसको जमा करें। एमडीसी जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन जमा होगा, ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं यहाँ तक जब आपका बीएससी तक हो गया तो अभी बीएससी में भी देख लीजिए, दो गो ऑप्शन है ना, एथिक्स एंड कल्चर और स्वच्छ भारत, जिसने जो पेपर लिया है उनको उसी का असाइनमेंट बनाना है। इसमें प्रश्न में दोनों दिया हुआ हो सकता है लेकिन आपको तो बनाना एक ही है ना, तो वो एक बनाना है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम प्रोग्राम है बीए बीएससी सेमेस्टर वन का, मिड सेमेस्टर मिड टर्म वन है, तो इसका जो एग्ज़ाम का प्रोग्राम है अभी आपको बताया ना 7 तारीख से 24 तारीख तक है, तो किस दिन किसका है वो, इसमें 6 दिन में सभी विद्यार्थी को आना है, 3 सिटिंग में एग्ज़ाम हो रहा है तो सबका एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें, तो कैसे कैसे कब कितना बजे किसको आना है, किस ऑनर्स वाले को कब, ये यहाँ पर प्रोग्राम में आपको दिखेगा। अभी हम इसको लोड किए हैं इसलिए हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं कि हम उसको लोड करके आपको दिखा सकें,
लगता है कि विलम्ब हो रहा है, नेट स्लो कर रहा है काम। तो चलिए एग्जाम को एक प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार लोड करके, अरे तो फिर यूट्यूब पर भी दिखाते हैं आपको। चलिए इसमें भी विलम्ब हो रहा है। कंबाइंड क्लास रूटीन, अभी आपका क्लास रूटीन भी वेबसाइट पर रहना चाहिए, तो वो वेबसाइट पर रूटीन जो है दिया हुआ है, तो वो रूटीन आपको क्लास से भी मिलेगा, कॉलेज से भी मिलेगा, वेबसाइट पर से भी मिलेगा। उसके हिसाब से क्लासेस भी चल रही है, एग्ज़ाम जब नहीं होता है तो क्लासेस चलती है, उसमें आप कॉलेज में आकर के क्लास कर सकते हैं और करना ही है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो एडमिशन आपका रद्द भी हो सकता है, नामांकन रद्द होने का आपको नोटिस भी दिया गया है। तो चलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर बीएससी का है और बीए का है। इसके पहले जो आया था वो आईएससी रेगुलर डमी एडमिट कार्ड, सूचनाओं का यहाँ पर दौर है तो सूचना ही है, जैसे जैसे आगे है वो नीचे आपको दिखते जाएगा कि कैसे कैसे अन्य सूचनाएँ हैं, तो आप चलते जाएंगे सूचनाएँ। इसके पहले जो सूचना होगा उस समय का वो दिया गया है। तो टोटल सूचनाएँ ऐसे बहुत सारे हैं, अभी कॉलेज पर हैं, हमको बहुत पुराना नोटिस पर ध्यान नहीं देना है, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देना है। तो अब चलते हैं, अब यहाँ हम लोग बात कर रहे थे एमबी कॉलेज की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देख लिए। अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आरबीएस क्लासेस बक्सर, ये जो फर्स्ट में ही आ गया आरबीएस लिखे और इस पर भी नहीं आएगा तो सीएल लिखने पर, चूँकि हम सर्च किए थे इसीलिए आ गया, तो सीएल लिखेंगे तो आ जाएगा आरबीएस क्लासेस बक्सर। ये जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे यूट्यूब वाला पे जाना है, यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको इस तरह से होम पर पहुँचा दिया जाएगा। होम पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इस तरह से दिखेगा। अभी देखिए खुल रहा है, पहले का लोड किया हुआ जो अभी लोड किए थे, ये प्रोग्राम एग्ज़ाम का जो है इसमें देखिए आपको दिया हुआ स्पष्ट है कि 7 तारीख से 8 9 10 और 23 24 को एग्ज़ाम है। इसके बारे में हमने लाइव में कल बता दिया था, तो आप उस लाइव को हमारा जब सुन लीजिएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे स्क्रीनशॉट यहाँ से भी आप ले सकते हैं या हमारे चैनल पर कम्युनिटी में जहाँ पर ये रखा है वहाँ से भी आपको दिखाते हैं। अभी इसमें सारा सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें 6 दिन जो एग्ज़ाम है, 6 दिन एग्ज़ाम में 4 दिन एक ही जगह बैठना है, एमआईसी और एमडीसी को छोड़ के। एमआईसी और एमडीसी में आपका सीट चेंज होगा और एमजेसी, एईसी, एसईसी, वीएसी इसमें आपका सीट फिक्स रहेगा और आपको जहाँ बैठना है वहीं बैठना है, इसलिए बहुत चिंता नहीं करना है। जिनका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाला का नोटिस भी इसमें दिया हुआ है, आप यहां से भी देख सकते थे। अब आपको YouTube पे चूँकि लेके आए हैं तो YouTube पर आपको दिखाते हैं। YouTube पर जब होम पेज पर आएंगे तो होम आपको इस तरह से दिखेगा, तो इस पे जैसे वीडियो सारा है आपको वो वीडियो दिखेगा होम वाला, तो लेकिन हमको आगे बढ़ना है, इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं वो देखिए। होम पर फिर वीडियो आता है, वीडियो वाला सेक्शन में शॉर्ट में शॉर्ट दिखता है, लाइव में लाइव दिखता है, हम ये स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस स्लाइड में आप जिस पे क्लिक करेंगे हम इसी की बात बार बार बात करते हैं। इसमें पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में एक वीके एस यू का हम डाले हैं तो वो देखिएगा, और इस प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से हमारे एक वीडियो के टाइप को आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के वीडियो हैं, और कम्युनिटी में जा करके आप लेटर पोस्ट देखते हैं, हमारा लेटर पोस्ट आप कम्युनिटी में जा करके देखते हैं। कम्युनिटी में जब चलेंगे तो अभी देखिए हमने 39 मिनट पहले ये पोस्ट किया है। असाइनमेंट जमा होगा इंटरनल एग्ज़ाम के कॉपी के साथ ही, जल्दी करें, हमने सूचना दिया है। इस सूचना को आप ऐसे पढ़ सकते हैं अगर इसका स्क्वायर साइज में रहता है तो, नहीं तो इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स में मिलेगा। अभी ये क्लिक करके आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो सूचना ये हो गई एक, अभी आपको बता ही दिया है कि परीक्षा के दौरान ही आपको जमा करना है। ये देखिए फिलॉसफी का असाइनमेंट एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर रख दिए हैं, क्योंकि मेरा ही चैनल है, हम अपना यहाँ पब्लिश कर दिए हैं। तो फिलॉसफी का जो है एमजेसी का ये क्वेश्चन है, इसमें से कोई दो क्वेश्चन में कोई एक बनाना है इसको। अब चूँकि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि इस पोस्ट में 3 फोटो है, तो 3 कैसे निकलेगा, तो इसको साइड से स्लाइड करेंगे तो ये दूसरा खुला, इसमें एमआईसी वाला है, फिर इसके बाद इधर स्लाइड करेंगे तो ये एमडीसी वाला है, फिर आप आगे चलेंगे एसईसी हिंदी का जो प्रश्न है
वो भी दिया गया है। तो ये हिंदी का एसएससी का एसएससी में जिन्होंने हिंदी वाला लिया है पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप, तो उनके लिए ये हिंदी से निकला हुआ डिपार्टमेंट से है। तो ये दो क्वेश्चन में कोई एक बना देना है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन डेवलपिंग लीडरशिप स्किल, या फिर व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, डिस्कस इट्स टाइप, राइट ए नोट ऑन 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो जो भी आपको लगता है वो आपको टॉपिक बनाना है, जिसका एसी हिंदी में है उनके लिए प्रश्न इस तरह से है, आप वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण वाला का सामान्य परिचय दीजिए, इस तरह से आप इसको जवाब दे सकते हैं, अथवा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर विचार करें। तो कोई एक प्रश्न बता देना है, 500 से 1000 शब्द संख्या में आपको जवाब देना है। ऐसे ही MJC MIC हिंदी असाइनमेंट का यहाँ पर हमने रखा है, हमको दो जो उपलब्ध हो पाया हमने यहाँ पर रख दिया है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है, ये भाषण प्रतियोगिता होना है भ्रष्टाचार विषय पर, इसकी सूचनाएँ देखिए ऐसे क्लिक किए तो पूरा का पूरा खुल गया। जिन विद्यार्थियों को कल दिनांक 6/11/23 को होने वाले भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना है, वह कल दिनांक 6/11/23 को प्रातः 10 बजे महाविद्यालय के मानस भवन में उपस्थित हो जाए। आप लोगों में से जो भी ये भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और पुरस्कार पाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस प्रतियोगिता में भाग लें। फिर ऐसे ही टीचर्स की वैकेंसी आई है दूसरा चरण में, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर सूचना दिया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा इंटरनल टेस्ट का, वो सूचना हमने यहाँ दिया है। थ्योरी एग्ज़ाम CIA टेस्ट कहते या मिड टर्म टेस्ट कहते हैं, ये अभी आपको जो दिखाए थे लोड करके वो यहाँ पर भी हमने डाला है, ऐसे क्लिक करके कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको ऐसे जूम भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर ये भी सुविधा है जो, लेकिन ये जूम किया हुआ रहता नहीं है, छोड़ेंगे तो आपको फिर अपने जगह पर आ जाएगा, दो उंगली से करना पड़ता है तो जूम होगा, देख लीजिए फिर हटा दीजिए। ऐसे सूचना है CBSE का इंटरनल एग्ज़ाम लेने का जो लेटर आया था उसके बारे में, क्लास रूटीन अपलोड करना है ये सूचना है। SSC असाइनमेंट क्वेश्चन UG सेमेस्टर का इंग्लिश का है, देखिए इंग्लिश का यहाँ पर हम दिए हुए हैं, और AC जो है उसका भी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के द्वारा जो क्वेश्चन निकला गया है वो हम यहाँ पर दिए हुए हैं। इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट का जिनका है, जिनका माइनर में इंग्लिश है उनका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सब असाइनमेंट का प्रश्न है। ऐसे ही फिर और भी BPSC का कोई सूचना आता है या इंटरमीडिएट का है या कॉलेज संबंधित कोई सूचना रहता है तो इस चैनल पर आपको इस कम्युनिटी सेक्शन में व्हाट्सएप वाला मैसेज यहाँ पर दिखता है, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि होम पेज पर आकर के इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप जब कोई भी सूचना इस पर आएगी तो आपको दिखेगा, आप यहाँ से देख सकेंगे। आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सर्च करके इसको ले सकते हैं, जैसे कि हमने सर्च कर लिया, यहाँ पर सर्च में RBSCL कर दिए, RBS क्लासेस बक्सर आ गया, ये जो आया सर्च में यूट्यूब पर, गूगल पर भी सर्च करके यहाँ आ सकते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब पर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको खुलने का जो सर्च में आएगा वो इस तरह से आएगा, थोड़ा स्लो चल रहा है नेट का प्रॉब्लम, लेकिन आपको दिखेगा अभी तुरंत इस तरह से दिखेगा। देखिए अभी हम चैनल को चूँकि सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसलिए हमको इस तरह से दिख रहा है, और नहीं तो आपको ये चीज़ दिखेगा ऐसा ही, लेकिन ऊपर में सब्सक्राइब्ड नहीं रहेगा, ये जो सब्सक्राइब है ये सब्सक्राइब नहीं रहेगा, इसको सब्सक्राइब्ड करते हैं तब होता है, सब्सक्राइब रहेगा और जब उस पर क्लिक करिएगा तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, फिर बेल आइकन दबाइएगा और ऑल कर दीजिएगा तो आपको ऐसे रहेगा, इसके होम पेज पर जाने पर तब अभी इस तरह से खुलता है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो होम पेज पर क्लिक करने के बाद दिखता है, और तब स्पष्ट आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी चीज़ को कैसे चेक करेंगे, कम्युनिटी में जा करके फिर लेटर को चेक करते हैं। तो अभी सब पर बात हो ही गई है, तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में या लाइव में। अब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।